आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑल अकाउंटिंग बाउचर टाइप्स के बारे में, यानी अकाउंटिंग बाउचर ट्रांजैक्शन के बारे में और अकाउंटिंग इनवॉइस ट्रांजैक्शन के बारे में। तो टैली का ये सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, जिसमें मैं आज आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है, इस क्लास में। तो अकाउंटिंग बाउचर ट्रांजैक्शन बताऊंगा और सेकेंड में बताऊंगा अकाउंटिंग इनवॉइस ट्रांजैक्शन। याद रखिएगा, तीन स्टेप में काम होता है टैली में। पहले लेज़र क्रिएट करना, दूसरा ट्रांजैक्शन करना, तीसरा रिपोर्ट देखना। तो सबसे पहले बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। यानी जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपका जो होता है ट्रांजैक्शन वो होता है कैपिटल, यानी कि इन्वेस्टमेंट का। कैपिटल को बोला जाता है पूंजी, यानी पैसा लगाना। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक लेज़र बनाने वाला, तो लेज़र बना लेता हूँ। अकाउंट्स इन्फो लेज़र क्रिएट, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कंपनीज कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनीज कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, और उसका जो अंडर जाएगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कि लेज़र बनाने के लिए दो ही चीज़ें आवश्यकता होती हैं, एक तो कंपनीज कैपिटल यानी उसका नाम। नाम आप कैपिटल भी रख सकते हो, बिजनेस कैपिटल भी रख सकते हो, बस उसका नाम जो ऐसा हो जिससे वो पहचान में आए। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कंपनीज कैपिटल और अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे आप कर लेंगे इसे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपको करना क्या है, तो ये फर्स्ट स्टेप थी। मैंने फर्स्ट स्टेप कहाँ से पूरी करी, अकाउंट्स इन्फो लेज़र और क्रिएट। यहाँ पे मैं क्रिएट करने गया। यदि आपको देखना है कि लेज़र बनी या नहीं बनी तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा तो कैपिटल नाम की लेज़र भी बनी हुई है और कंपनी कैपिटल नाम की लेज़र भी बनी हुई है, ठीक है। मैंने दो लेज़र बना दिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी दूसरी स्टेप रहेगी ट्रांजेक्शन, यानी अकाउंटिंग बाउचर में ट्रांजेक्शन करना। तो याद रखिएगा, जो कैपिटल होती है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा हमेशा जो कैपिटल होती है हमेशा रिसिप्ट होती है, पैसा हमेशा रिसिप्ट होगा यानी आएगा। आपको ये बताना है कि टेलीगो के कितना पैसा आप लगा रहे हो, तो कैपिटल की जो एंट्री है वो रिसिप्ट बाउचर में होगी। तो यहाँ पे मैं रिसिप्ट बाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है। यदि आपके पास रिसिप्ट बाउचर ना हो, जैसे ये पेमेंट बाउचर हो, तो आपको करना क्या है, शॉर्टकट की लगानी है F6 रिसिप्ट बाउचर। यदि आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी आपको राइट साइड पैनल से भी आपको मिल जाएगा और यहाँ से भी आप क्लिक करके लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर ये रहेगा डेबिट साइड और ये रहेगा क्रेडिट साइड। तो अकाउंट्स में आएगा कैश, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे हम कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कैपिटल हमेशा कैश में लगती है, तो यहाँ पे मैंने कैश में कैपिटल लगाई। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब दो लेज़र है मेरे पास, कंपनीज कैपिटल भी ले सकता हूँ, कैपिटल भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर कंपनीज कैपिटल ले ले रहा हूँ। उसके बाद या फिर मैं कैपिटल ले लेता हूँ, ठीक है। कन्फ्यूज़न कोई भी नहीं रखना अपने दिमाग में, क्योंकि नाम कुछ भी आप रख सकते हो, बस ये उस नाम से वो जानी जानी चाहिए, यानी पहचान ली जानी चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा ना हो कि आप किसी और खुद का नाम रख लो, रमेश महेश सुरेश, और वो पहचान में ना आए अकाउंट, तो आपको ऐसा नाम रखना है जिससे वो पहचान में आए कि हाँ वो है क्या असल में, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 लाख रुपये लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 लाख रुपये लगा दिए। अब मैं नरेशन की जगह यहाँ पे होती है, तो आप यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नरेशन लिखने के लिए जैसे बींग से चालू करते हैं, यार नरेशन ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। बींग बिजनेस स्टार्ट विद कैश, ठीक है। और यहाँ से आप एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन, ये तो दूसरी स्टेप हो गई भाई, आपने ट्रांजेक्शन देख लिया। ट्रांजेक्शन अब ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ दिखाई देगा, तो इफेक्ट दिखाई देगा आपको रिपोर्ट्स में। तो रिपोर्ट्स में याद रखिएगा, कैपिटल का जो इफेक्ट होता है वो हमेशा बैलेंस शीट में दिखाई देता है। तो बैलेंस शीट पे जाके आप एंटर करेंगे तो इसका जो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है वो आपको दोनों साइड दिखाई देगा। कैपिटल अकाउंट आपका लाइबिलिटीज के साइड ही रहेगा और करंट एसेट्स में 2 लाख रुपए आएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मान लीजिए कि बिजनेस स्टार्ट कर लिया आपने 2 लाख रुपए से, तो ये वो दिखा रहा है। जबकि जो आपका असल में जो आपके पास पैसा है वो भी अभी यहाँ पर 2 लाख रुपए। कहने का मतलब ये है कि ये वॉलेट है आपका, खुद का वॉलेट है, और ये हो सकती है हमारा पॉकेट मनी हो, हमारी जो हमें मिली है, ठीक है। तो हमारे पास अभी 2 लाख रुपए है
और ये हमारा वॉलेट है। अब जितने हम उसमें से खर्चा कर देंगे उतने वो खर्चा हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये खर्चा कर दिया तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपये आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 लाख रुपये ही रहेंगे। तो ये नेक्स्ट मैं आपको ट्रांजेक्शन में बता दे रहा हूँ। तो दूसरा ट्रांजेक्शन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एक्सपेंसिस का। तो एक्सपेंसिस का ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ मैं यहाँ पर रेंट का। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ शॉप रेंट, अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाके मैंने लिखा शॉप रेंट, और ये जाएगा एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस दो ही तरह के होते हैं, या तो वो डायरेक्ट होंगे या तो इनडायरेक्ट होंगे। तो ये जो शॉप रेंट होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। क्यों? क्योंकि ये बार बार पे किया जाता है। अगर एक मंथ में आपने पे कर दिया तो ऐसा नहीं है कि दूसरे मंथ आपको देना नहीं पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉप रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब मान लीजिए हमें शॉप रेंट पे करना है, कितना? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये मैं शॉप रेंट पे करूंगा तो मतलब पेमेंट वाउचर का यूज़ होगा, मेरे पास से पैसा जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में अभी कौन सा वाउचर खुला हुआ है? F6 रिसिप्ट वाउचर। तो अब क्या चाहिए हमें? पेमेंट वाउचर चाहिए। तो F5 पेमेंट वाउचर, ठीक है। अभी कैश में ही पैसा दे रहे हैं तो यहाँ पर आएगा कैश, और यहाँ पर आ जाएगा शॉप रेंट। तो शॉप रेंट मैं 5,000 रुपये पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने 5,000 रुपये पे कर दिए, ठीक है। तो जैसे मैंने शॉप रेंट 5,000 रुपये दिए, शॉप रेंट का करंट बैलेंस हो गया 5,000 रुपये, और जो कैश का बैलेंस था वो 1,95,000 हो गया, ठीक है। इसको एंटर किया। जैसे कि मैंने आपको बोला नरेशन ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो नहीं लिख सकते। मैं अभी फिलहाल इसको छोड़ दिया, और यहाँ पर करना एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा दो जगह पर, रिपोर्ट्स में। सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो, जैसा कि मैंने आपको बोला था, कैपिटल अकाउंट जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, और ये हमारा जो वॉलेट है उसमें से पैसा माइनस हो गया, यानी 1,95,000 बचा हुआ, और 5,000 रुपये के लॉस में आ गए हम। क्यों? क्योंकि हमने खर्चा कर दिया, क्योंकि अभी तक इनकम हमें कुछ भी नहीं हुई और लॉस हो गया 5,000 रुपये। क्यों? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाके दिखेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखा, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर किया तो यहाँ पे दिखाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर किया तो क्या है? शॉप रेंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तो हो गए वाउचर के ट्रांजेक्शन, ये दो मैंने आपको ट्रांजेक्शन बता दिए। अब मैं आपको तीसरा ट्रांजेक्शन बताने जा रहा हूँ, जो कि रहेगा अकाउंटिंग इनवॉइस में, ठीक है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन था हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस, उसका ट्रांजेक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे एक लेज़र बना लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली लेज़र मैंने बना ली गुड्स परचेज, ठीक है। गुड्स परचेस, परचेस जाएगा परचेस अकाउंट में, ठीक है। और इन्वेंट्री वैल्यू फिलहाल अभी नो रहेगी, इसको नो ही रखिएगा अभी, ठीक है। याद रखिएगा इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो रहेगा। और दूसरा मैंने बना लिया गुड्स सेल्स, सेल्स जाएगा सेल्स अकाउंट में, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू नो रहेगी, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहला ट्रांजेक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि परचेस कैसे करते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाना, यहाँ मिलेगा F9 परचेस वाउचर, ठीक है। इस तरह के जो आपको वाउचर दिखाई देते हैं इन्हें इनवॉइस बोला जाता है, ठीक है। और यदि आप इसको एज अ वाउचर कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। राइट साइड से मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट साइड के पैनल पर लिखा हुआ है एज अ वाउचर, एज अ इनवॉइस। वापस मैं एज अ इनवॉइस करता हूँ, फिर एज अ वाउचर करता हूँ, एज अ इनवॉइस। तो ये एज अ इनवॉइस है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछा जाएगा, यानी बिल नंबर। तो ये 4 से 5 डिजिट का हो सकता है, और यहाँ पर फिर डेट आ जाएगी। पार्टी अकाउंट नेम में फिलहाल हम कैश लेंगे क्योंकि हम कैश में काम कर रहे हैं, लेकिन जब सप्लायर की डिटेल आएगी तब वहाँ पर उसका नाम लिखेंगे जिससे हम माल खरीद रहे हैं, यानी कि गुड्स परचेस कर रहे हैं। और उसका एड्रेस, तो एड्रेस आप लिख सकते हो शॉप नंबर 4-5 न्यू मार्केट भोपाल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आएगा गुड्स परचेस, ठीक है। गुड्स परचेस इसलिए आएगा क्योंकि हम माल परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंटर किया, कितने का माल परचेस कर रहे हैं? तो मैंने कहा 10,000 रुपये का। तो ये 10,000 रुपये का माल मैंने परचेस कर लिया, तो इसका इफेक्ट दिखाई देगा आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है आपको करंट एसेट्स में हमारे पास 10,000 रुपये और कम हो गए हैं, और 15,000 रुपये यहाँ पे आ गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप चेक करोगे तो 10,000 रुपये का जो आपको परचेस अकाउंट दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद यदि आप माल को सेल करते हैं तो माल को हम प्रॉफिट के साथ सेल करेंगे, तो फिर जाएंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में,
तो ये परचेस वाउचर के लिए F9 परचेस वाउचर था। अब यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F8 सेल्स वाउचर। तो यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर होता है वो भी इनवॉइस नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे कैश, अब पार्टी का जो भी नाम है, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने फॉर एग्जांपल मोहित ट्रेडर्स, ठीक है। और जो भी उसका एड्रेस, तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा गुड सेल। तो 10,000 रुपये का माल खरीदा था, 12,000 रुपये में सेल कर दिया, ठीक है, यानी 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो हम चेक करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद बैलेंस शीट में चेक करेंगे, तो 3,000 रुपये का लॉस हो गया हमें। 3,000 रुपये का लॉस इसलिए हो गया क्योंकि पहले जो लॉस 15,000 रुपये का था, अब वो 3,000 रुपये रहेगा, क्योंकि हमने माल कितने का सेल कर दिया, 12,000 रुपये का। तो आप समझिए कैसे होगा। देखिए, तो यहाँ परचेस अकाउंट 10,000 रुपये, सेल्स अकाउंट 12,000 रुपये, ठीक है, और 5,000 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें से 5,000 रुपये में से माइनस करें हमने 2,000 रुपये का प्रॉफिट और 3,000 रुपये का लॉस बचा है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा, ठीक है। तो